सिरमौर जिले के पौंटा साहिब के समीप सिरमौरी ताल के गांव में मलबे में लापता लोगों को खोजने के लिए चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन बारिश की वजह से रोकना पड़ा। हालांकि रेस्क्यू टीम ने मलबे से एक 8 साल की बच्ची और 65 साल के बुजुर्ग के शवों को खोज लिया था, लेकिन परिवार के 3 लोगों का शाम तक कोई पता नहीं चल पाया है। लगभग 8 घंटे चले रेस्क्यू के दौरान लापता लोगों को खोजने का हर संभव प्रयास किया गया। सिरमौरी ताल में आई त्रासदी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। लाखों टन मलबे में समाये परिजनों के शव पूरा दिन चले रेस्क्यू के बाद भी बरामद नहीं हो सके। भारी मशीनों से हो रही मलबे की खुदाई से घर के कुछ अंश को खोदकर निकाल लिया गया। हैरानी की बात यह है कि मलबे से कुलदीप का घर अपने स्थान से उखड़कर लगभग 50 मीटर आगे खिसक गया है। घर की पक्की छत घर से अलग हो गई है। इस जानलेवा मलबे से एक बच्ची दीपिका और एक बुजुर्ग कुलदीप सिंह का शव बरामद हुआ है, जबकि परिवार के अन्य 3 लापता सदस्यों का कोई पता नहीं चल पाया है। जो अचानक भारी बरसात इस इलाके में हुई, 4-5 सिरमौरी ताल मालकी के इलाके और बादल फटने की वजह से ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। सबसे बड़ी दुखदायी बात यह है कि 5 परिवार के लोग लापता है, उसमें से 2 की डेड बॉडी मिल गई है, 3 का अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और क्योंकि इस बार बरसात बहुत अधिक हो रही है, पूरी इस इलाके में वैसे भी बहुत ज़्यादा बरसात, ये हमारे इलाके का पहला ऐसा केस है हमारी जिंदगी का जब यह बाद जहाँ जहाँ जान हानि का नुकसान हुआ है, पशु भी 4 इसमें मरे और हम सब इस परिवार के साथ खड़े हैं ताकि उनकी जो है शव बरामद हो जाए और सामाजिक तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। इस दुख की घड़ी में हम सब लोग और सरकार से भी मैं मांग कर रहा हूँ, आपके माध्यम से आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आपने जो शेड्यूल चेंज किया है उसमें केवल 7 से 15 जुलाई तक का आपने समय दिया है और अभी भी बहुत ज़्यादा बरसात हिमाचल प्रदेश में हो रही है, कहीं बहुत प्रिय घटनाएँ हो रही हैं, तो जो आपने शेड्यूल जारी किया उस शेड्यूल को आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों को प्रॉपर तरीके से राहत मिल सके। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पौंटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट।